Okay, we have started the recording and we'll start with your exercise. Exercise 4. Sorry, not 4. We'll start with your exercise 4. Exercise 4 may section A. See, in exercise 4, I will solve section A and B. C, D, E, aapko khud karna padega. We are going to solve section A today. Yeah. Section A ka first. He's not pick up the phone. Haan, no problem. Usko message karna, teacher ne call kiya tha. Koi problem. ठीक है कि भाई टीचर ने कॉल किया था कि तू क्लास में नहीं है, लास्ट क्लास में भी नहीं था, ये क्लास में भी नहीं है, और प्लस यू हैव डिफिकल्टी इन सब्जेक्ट, तो कैसे डिफिकल्टी सॉल्व होगी अगर आप स्कूल क्लास में नहीं होंगे. ठीक है, सो हम लोग थे फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेच, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? आप सबको पता है, एक्स एच माइनस एक्स एल डिवाइड बाय एक्स एच प्लस एक्स एल. सो दैट विल बी योर हाउ मच. ये आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी. ये कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी. फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी. सबने टिक कर लिया, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन, in which measure of dispersion the absolute difference of the observation and its means in mean, absolute difference of the observation and its mean is considered. So ye kiska definition hai? This is a definition of your, batao kiska definition hai? Mean deviation. Mean deviation. Okay. That is why I make you write the definition in the beginning of each and every topic. जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो हम लोग उसका डेफिनेशन लिखते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीन डेविएशन. तो हियर आंसर वुड बी योर ऑप्शन ए. भाई आप में से किसका माइक्रोफोन चालू है, प्लीज बंद रखो. सभी अपने माइक्रोफोन बंद रखिए प्लीज. चलो क्वेश्चन 3. Are you able to hear my voice? Yes, ma'am. अब अपने yes, ma'am. Good. अब है ना, सब एक दूसरे, एक अपने आप को म्यूट कर लो, बार बार में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है. थर्ड क्वेश्चन है, what is the following, which of the following measure is free of units? तो देखो, जो भी कोएफिशिएंट होता है, एनी कोएफिशिएंट इज फ्री ऑफ मेजर्स. मतलब अगर आप मीन डेविएशन फाइंड करते हो, फॉर एग्जांपल, इट विल बी इन रुपीस और इट विल बी इन केजी लीटर, है ना, लाइक वाइज उसके पीछे वो यूनिट होना चाहिए. बट कोएफिशिएंट के पीछे यूनिट नहीं होता है, इट इज़ इन, यू कैन से परसेंटेज. कोएफिशिएंट की वैल्यू या तो परसेंटेज में हो सकती है या फिर आउट ऑफ वन, है ना, पॉइंट में जो भी हो गया, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 1, तो इट इज़ ओवर एंड अबोव यूनिट. सो हियर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके ऑप्शन क्या है? मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज. तो ये जो मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज, ये तीनों ही आपके क्या है? दे आर नॉट फ्री ऑफ यूनिट. दे आर नॉट फ्री. एक ही है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो for your question number 3, your answer will be D, coefficient of variation. समझ में आ रहा है सबको? Vivek? Yes, yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Next is your fourth. Question number 4. Which measure is least affected by extreme values of observation? Extreme values क्या होती है?
मतलब हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू. अब रेंज का फॉर्मूला ही क्या है, एक्स एच माइनस सॉरी रेंज का फॉर्मूला ही है एक्स एच माइनस एक्सएल. ठीक है, तो इट विल हैव इफेक्ट. अगर हाईएस्ट वैल्यू चेंज होगी है तो रेंज पे इफेक्ट आएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर मीन उस कंसिडर करता है, तो उस पर भी मीन में अगर अगर हाईएस्ट वैल्यू बढ़ जाती है तो इट विल हैव एन इफेक्ट. मीन डेविएशन अगेन इट विल हैव इफेक्ट. क्वार्टाइल डेविएशन जो है टोटल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन टेक्स Q3 माइनस Q1, है ना, Q3 माइनस Q1 ही है ना इसका फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन का. तो इट टेक्स 70, इट टेक्स 75% एंड 25% Q3 माइनस Q1, सॉरी यहां पर Q3 माइनस Q1 होगा. It is Q3 minus Q1. So Q3 minus Q1, Q3 is your 75% and Q1 is your 25%. So need the extreme value kya hogi? 100%. Extreme value kya hogi? 100%. So ye 100% to quartile deviation ki formula mein aata hi nahi hai. It doesn't enter the formula. That is why QD will not be affected by extreme value. QD will not be affected by extreme value. So for this, your answer will be C. That is quartile deviation. ठीक है, समझ में आया? Yes, teacher. नहीं आया तो पूछते रहना. ठीक है. Next is, चलो, question number 5. Question number 5 दिया है, the coefficient of variation of group A is less than the coefficient of variation of group B. Which group is more consistent? तो ऑफ कोर्स अगर ए का वेरिएशन कम है तो ए विल बी मोर कंसिस्टेंट. सो योर आंसर विल बी ए. ठीक है, ऑप्शन ए उसमें ए. ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. ये थोड़ा कैलकुलेशन है, कोई करना चाहेगा कैलकुलेशन? बहुत इजी है कैलकुलेशन. एनीवन वुड लाइक टू डू दिस सम? क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है आपको क्या फाइंड करना है, रेंज. रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स एच माइनस एक्सएल. एक्स एच हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें, 71. और लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 47. तो 71 माइनस 47 कितना होगा, 24 kg. सो योर आंसर विल बी 24 kg. दैट इज योर ऑप्शन सी. इजी इजी पीजी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल इज गिवन. तो Q3 की वैल्यू दी हुई है 50 और Q1 की वैल्यू दी हुई है 30. तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन आपको फाइंड करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर योर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1. इज दिस द फॉर्मूला, सही है ना? तो इट इज बी 30 माइनस 50 डिवाइड बाय 30 प्लस 50. 30 माइनस 50 विल बी हाउ मच, माइनस 50 माइनस 30 आएगा ना टीचर, 50. अरे सॉरी सॉरी, 50 माइनस 30 एंड 50 प्लस माइनस 20 अपॉन 80. 20 अपॉन 80 0.25 0.25. So that will be your option A. It will be your option A. That is your condition for 0.25 for your question. मैं वायरिंग ऑप्शन जोन जोन लेके कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है. ऐसे कैसे इतने सारे बच्चे हो गए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? एक मिनट, पानी तीनों बार आ गया. पार्टिसिपेंट्स कोई भी बच्चा वेटिंग रूम में नहीं है, मैंने चेक किया वेटिंग रूम में है ही नहीं. और इतने सारे बच्चे ज्वाइन हो गए तो उसका क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर नहीं जॉइन. हाँ बोलो. मैं उसको वॉइस सुनाई नहीं दे रही. अच्छा, वॉइस वॉइस ओके, मेरी वॉइस. यस, आ रही है मेरी वॉइस?
Are you able to hear my voice, Ruchika? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Priya, आपको आवाज सुनाई दे रही मेरी? Yes, ma'am. तो मतलब मेरी आवाज सही yes, ma'am. है? मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क का इश्यू होगा. अगर दो बच्चों को सुनाई दे रहा है तो सबको यहाँ से कोई इश्यू नहीं है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी. जिसको नहीं आ रही वो अपनी सेटिंग चेंज करो. ठीक है, ओके. लेट अस मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी अपन ने? सेवन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट, उसमें क्या दिया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन है 5 5 5 5 5. तो उसमें बोल रहे हैं कि डिस्पर्शन क्या होगा. तो सिंपलेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? xh माइनस xl. इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 5. लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 5. यानी इट इज 5 माइनस 5, दैट इज 0. कहने का मतलब ये है यहाँ पर कोई डिस्पर्शन है ही नहीं. डिस्पर्शन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन the highest and lowest value or difference between the values of the observation. तो आप कोई भी formula लगाओ, मैंने simplest formula अपना लगाया, that is xh minus xl. तो अगर xh minus xl formula लगाएंगे तो value would be 0. So here for question number 8, it is 0. 0 answer. ठीक है, question number 8 का option C. It will be option. ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट हो गया. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है? मीन ऑफ द वेरिएबल इज 10. मीन इज इक्वल टू 10 एंड वेरियंस ऑफ द वेरिएबल is 60. Coefficient of variance, COV is your 60. Hey, sahab, kiska mute karo apne aap ko, please. ठीक है, x bar is equal to 10 and coefficient of variable is 60%. What is the variance of the variable? तो हम लोग COV का formula लगाएंगे. What is the formula for COV? COV का formula है s upon x into 100. x 100. मैम ऑप्शन ए ए सही आंसर. एक मिनट, s upon x into 100. s की वैल्यू कितनी है? नहीं है कोवेरिएशन ऑफ इसकी वैल्यू है 60. s की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है 10 into 100. सो इट विल बी 60 into 10 upon 100, दैट विल गिव यू 6. S is equal to 6. S is equal to 6. But हमको क्या find करना है? Variance find करना है. So that is your 36 आएगा. एक मिनट करने दो भाई साहब. S is equal to 6. S square is equal to 6 का square. That is your 36. So answer will be your option B. Yes. अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर देते बच्चा कि आपको पूछा है S. एस स्क्वेयर और आपने लिख दिया 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग. अभी मेरे को दो एक बच्चे की आवाज आई कि एस इज इक्वल टू 6. और हमको ध्यान रखना है कि हमको वेरियंस फाइंड करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. शॉर्ट क्वेश्चन आर मोर ट्रिकी एज कम्पेयर टू लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन का क्या सीधा सीधा करना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत लॉजिक और थोड़ा बहुत आपका बोलते ना अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करनी है. तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. लॉन्ग क्वेश्चन में तो सीधा सीधा आपको आंसर वैल्यूज दी है और आपको वैल्यू पुट करके आंसर लेके आना है. ठीक है, ओके. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? Suppose the center deviation of the series K1, K2, K3 is 5, and what will be the center deviation of the following series? First series is your K1 plus 2, K2 plus 2, K3 plus 2, है ना? ये आपका value है. अब ये first में क्या है? Plus 2 हुआ है. मतलब variation तो कुछ है ही नहीं ना. जैसे हमने वो वाला question किया था, question number 8, there was no variation. तो यहाँ पर भी वेरिएशन कुछ नहीं है, सारी वैल्यू के अंदर प्लस टू ऐड हुआ है.
एवरी वैल्यू प्लस टू यानी वैल्यू में एड हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेस आएगा नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट चेंज क्योंकि एक कॉन्स्टेंट चेंज आया यहाँ पे। अगर यहाँ पे वैल्यू K1 प्लस टू और ये K1 प्लस थ्री या K1 प्लस फोर होता तब स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता, बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट चेंज आ रहा है दैट इज वाई योर स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट चेंज, सो योर स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी सेम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है, सो हियर ऑल्सो योर स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी फाइव फॉर फर्स्ट के लिए। टेंथ का फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी फाइव एंड सेकेंड में क्या दिया है, 3K1 3K2। K2 ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। K1 K2 K3 क्या है, ऑब्जर्वेशन दिया आपको, 3K3 ये ऑब्जर्वेशन दिया। इसमें क्या हुआ है, आपकी पूरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया है विद 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई विद 3। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या था सीरीज का, 5 हाँ, तो 5 इंटू 3 दैट विल गिव यू हाउ मच, 15। वेरी गुड, सो फर्स्ट का आंसर हमने फाइंड किया था 5 और सेकेंड का आंसर क्या था 15, वो कॉम्बिनेशन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, इट इज गिवन इन योर सी दैट इज 5 एंड 15। क्लियर, ये ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, बट यू हैव टू जस्ट अप्लाई लिटिल बिट ऑफ लॉजिक हियर। जब प्लस टू किया है, जो प्लस टू है दैट इज कॉन्स्टेंट चेंज, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन विद 3, सो दैट विल गिव यू द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, मीन इज योर एक्स, सॉरी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू योर 2। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 4, दैट इज 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी 5 + 4, 3 5 15 + 4 that will give you 19. ठीक है, ओके, एंड देन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अगेन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को यू हैव टू मल्टीप्लाई, योर स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 2 एंड 19 एंड 10 yes you have to multiply your standard deviation with 5 because over here x ki value kitni ho rahi 5 so that will be your 2 5 so it will be 10 so that will be your 19 and 10 abhi mere ko awaaz aa bhi gayi thi 19 and 10 so that is your option c okay let us move further 19 ho gaya 20 okay sorry 12 11th हो गया ना, 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू दी हुई है 45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 5। नाउ इफ यू ऐड x में यू ऐड कांस्टेंट 5 प्लस यानी वही k1 + 5 अगर हम करते हैं, सो व्हाट विल बी चेंज इन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर 45% में अगर 5 ऐड करते हैं तो कितना ऐड किया हमने, कितने परसेंट ऐड किए, 10%, दिस इज योर यस यस है ना, इफ 45 में से इज टू 5 तो 100 में से कितना, इफ यू विल डू यू यूज दैट फॉर्मूला सो यू विल फाइंड दैट यू हैव इंक्रीज फ्रॉम 45 से अगर हम 50 पे जाते हैं, ठीक है, so what will be increase in the value if this is 45 पहले था उसको हमने 50 किया, so what will be the increase, so it will be 45 into 100 divide by 50, so 50 cancel, 5 9s are, so this is your 90%, ये क्या है 45 is your 90%, so increase कितना हुआ, it is 10%,
10% का इंक्रीज हुआ. सो हियर आंसर विल बी योर ऑप्शन ए, दैट इज योर 10%. ऑप्शन ए कितना है? मैं वापस समझा, एक मिनट देखो. आपकी वैल्यू 45 थी, इनिशियल वैल्यू वाज 45, ठीक है, एंड आपने इंक्रीज करी. इफ द कांस्टेंट 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, मीन का मतलब क्या होता है? 45 मीन मतलब ये एवरेज आपका एक वैल्यू कितनी है 45. आप उसमें एक और ऐड करते हो, दैट इज 50%, ठीक है, 50% हो गया. सो इफ दिस इज योर 100% नाउ, सो व्हाट वाज दिस 45% क्या था? सो मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर 45 × 100 डिवाइड बाय 50, दैट विल गिव यू हाउ मच? 45 × 100 डिवाइड बाय 50 विल गिव यू हाउ मच? 90%. सो 45 is your 90%. 90. सो इंक्रीज कितना होगा वैल्यू जब हम 50 पे मूव, 45 is your 90%. एंड 50 विल बी, अगर 100% में से माइनस करो तो 100 − 90 that will be your 10%. 10%, sorry. So that is your value. Clear with this? Yes, teacher. So increase, okay. Now our meeting is about to get over. This is your section A, we have completed. Time up hone wala hai, we are running out of time. Now, yes. 11th वाले में आंसर पीछे अलग आ रहा है. इसमें 11th वाले आंसर क्या आ रहा है? 19 and 6. ओके, मैं चेक कर लेती हूँ बेटा, एक मिनट. 11 वाले में 19 and 6. 19 तो हमारा सही है. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट योर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? सपोन एक्स इनटू, आप लोग फाइंड करो. चलो होमवर्क में आपको मैं देती हूँ, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, और देन अगेन सॉल्व योर सेक्शन बी. सेक्शन बी भी आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है. एंड उसके अलावा सेक्शन सी डी और ई में, इन तीनों में भी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, सेंड मी अ मैसेज. आप लोग मुझे मैसेज करोगे कि मैम ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन ओनली, बिकॉज एक्सरसाइज 4 इज रिपीटेशन ऑफ योर एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4, 5 में जो आप सीखा वही रिपीट होता है इन एक्सरसाइज 5. तो आप सारे सम सॉल्व करोगे, और जो सम आपको डिफिकल्ट लगेगा यू विल सेंड मी अ मैसेज, देन दैट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन योर क्लास ऑन मंडे. मंडे को जब हम क्लास लेंगे तो वी विल सॉल्व दैट सम, ठीक है. एंड सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 11, वो हमारा गलत आ रहा है, तो आप लोग सॉल्व करो और मुझे उसका आंसर भेजो, ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट आवर मीटिंग, बिकॉज आई हैव टू टेक, आई एम इन अ रश, बिकॉज अगेन आई हैव लेक्चर इन 5 मिनट्स. मेरा 5 मिनट्स में एक और लेक्चर है, तो वी विल एंड माई लेक्चर हियर. समझ में आ गया आपको? होमवर्क क्या है आपका? आपका अभी देखो, यस मैम, संडे है, तो यस मैम, सेक्शन बी करना है. सेक्शन बी में थियोरी ही है, सेक्शन सी करना है, सेक्शन डी करना है, सेक्शन ई करना है, ठीक है. जितने भी सेक्शन एफ है तो सेक्शन एफ भी कर दो, सेक्शन एफ करो, और उसमें जो डिफिकल्टी है वो मुझे सेंड करो. सो आई विल क्रिएट अ पूल ऑफ डिफिकल्टीज एंड दैट डिफिकल्टीज आई विल सॉल्व, ठीक है. एंड प्लस हमने क्वेश्चन 11 में कुछ मिस्टेक की है, तो वो एक सॉल्व करो, ठीक है, ऑफ सेक्शन ए. इतना आपको करना. सो क्लियर माय ड्राइंग्स? ओके, क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स? और आप ये कंप्लीट हो जाएगा मंडे को आपकी क्लास लेने के बाद में. आई डोंट बिलीव इन सरप्राइज टेस्ट, आई बिलीव इन कि भाई बच्चों को प्रिपेयर होना चाहिए. तो मंडे को आपका टेस्ट भी रहेगा ए और सी का. किसका? स्टेटिस्टिक्स का. सेक्शन ए और सी का स्टेटिस्टिक्स का मंडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है. सो प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट. क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे, लेकिन जैसे एक्सप्लेनेशन भी होगा उसके, कि मतलब क्वेश्चन के आंसर शायद हो सकता है मैं क्वेश्चन के आंसर भी ना दूँ आपको,
सीधा आपको आंसर लिखना पड़े, नंबर्स ही होंगे, ठीक है? सो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेन स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए. ओके, शुड वी एंड द मीटिंग नाउ? किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है? किसी को कोई मीटिंग डिफिकल्टी है बेटा? No, ma'am. So we'll end the meeting. Goodbye, students. Goodbye.